दोस्तों, दुनिया आज भी कई अजब गजब मिस्टीरियस से भरी हुई है। दुनिया में कई अजूबे मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों को काफी जानकारी है। वहीं कुछ अजूबे ऐसे भी पाए गए हैं जिनके बारे में सुनने और पढ़ने के बाद इंसान सोच में पड़ जाते हैं। इंग्लैंड में एक ऐसी ही मिस्टीरियस जगह है जिसे किसने बनाया, कब बनाया और कैसे बनाया, वो आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। ये इतने भारी भरकम पत्थरों की मदद से बना है कि इसे बिना किसी मॉडर्न टेक्निक के इस्तेमाल से खिसकाया भी नहीं जा सकता। तो फिर कैसे इतने भारी पत्थर अपने आप ही इस जगह पर आ गए? इस अजूबे का नाम है स्टोनहेंज। जी हाँ, इसकी चर्चा वर्ल्ड लेवल पर होती है। स्टोनहेंज को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। लेकिन इन चट्टानों के पीछे एक मिस्टीरियस हिस्ट्री छिपी हुई है जिसे लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं, जैसे कि ये एलियंस ने बनाए हैं। तो आज की अपने इस वीडियो में हम इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज के इन पत्थरों के रहस्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। ऐसा बताया जाता है कि इंग्लैंड में बनाई ये स्टोनहेंज करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराना का है। तो अगर देखा जाए तो उस समय पर टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी कि इतने भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सके। वहीं कई लोगों का मानना है कि इसका निर्माण प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हुआ होगा। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है दोस्तों कि इन विशाल पत्थरों से बना ये स्टोनहेंज ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग में बनाया गया होगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का एक तो यहाँ तक कहना है कि इसे करीब 3000 से 2000 बीसी के बीच किया होगा। स्टोनहेंज के विशालकाय चट्टानों की ऊंचाई करीब 23 फीट तक है और इन विशालकाय चट्टानों में कुछ चट्टानों का वजन तो 50 टन भी है। इन चट्टानों को ऊंचा खड़ा करके एक सर्कुलर शेप में बनाया गया है। इन पत्थरों को बनाने में ब्लू स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा कहते हैं के स्टोनहेंज के पत्थरों के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि एक समय ये स्थान हीलिंग प्लेस हुआ करता था जहाँ पर बीमार लोग आया करते थे। कहा जाता है कि इन पत्थरों को छूने से वो लोग ठीक हो जाते थे। यह जगह यूनिक और मिस्टीरियस होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। दोस्तों, ये मिस्टीरियस चट्टाने यहाँ कैसे आई, इन पर लगातार रिसर्च चल रही है। कई एक्सपर्ट्स ने इन पत्थरों के यहाँ मौजूद होने पर कई दावे किए हैं। इनमें से एक दावा ये भी है कि स्टोनहेंज का निर्माण इंसानों द्वारा नहीं किया गया बल्कि एलियंस द्वारा किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस समय पर स्टोनहेंज का निर्माण कराया गया होगा उस समय पर टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी कि ये विशाल पत्थर यहाँ लाए जा सके। और जिस तरीके से इन पत्थरों को लगाया गया है उनके पीछे एक अलग प्रकार का गणित छिपा है जिसे उस समय के लोगों द्वारा लगाना नामुमकिन था। अगर स्टोनहेंज के इन पत्थरों को ऊपर से देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह दिखते हैं। स्टोनहेंज के इन पत्थरों में दोस्तों कई राज दफन हैं जिसका रहस्य अब तक सामने नहीं आ पाया है। क्या सच में स्टोनहेंज को एलियंस ने बनवाया था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिसर्च की गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने ब्रिटेन के मशहूर और रहस्यमय स्टोनहेंज के पास नए रोड टनल की खुदाई की है। इस दौरान उन्हें वहां धरती के नीचे एक बिल्डिंग के रिमेन्स यानी के अवशेष मिले हैं जो हमारी सोच से भी पुराने समय के हैं। जी हां दोस्तों, उम्मीद जताई गई है कि इससे स्टोनहेंज के हिस्ट्री का एक नया एंगल निकल कर सामने आ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस साइट पर कम से कम 20 विशाल शाफ्ट हैं जो डायमीटर में 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़े हैं और 5 मीटर से भी ज्यादा गहरे हैं। ये 20 गड्ढे साथ मिलकर एक बड़ा घेरा बनाते हैं। इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित स्टोनहेंज मिट्टी को खोदकर खड़े किए गए पत्थरों से बनाया गया घेरा है। आज के समय में यहाँ सिर्फ अवशेष रह गए हैं जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि स्टोनहेंज इसके आसपास रहने वाली जनजातियों के नेता का नाम था और यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। इसे दो टाइप के स्टोन्स सैरेसंस और ब्लू स्टोन से मिलकर बनाया गया था। ये पत्थर इसलिए भी खास है दोस्तों क्योंकि इन्हें जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ों का यूज किया गया था जिनका यूज लकड़ी के काम में किया जाता है और ऐसा 5000 साल पहले होना बहुत बड़ी बात है। इस वर्ल्ड फेमस स्टोनहेंज का एक सैंपल कई डिकेड से अमेरिका में रखा हुआ है। इसी सैंपल की जियोकेमिकल टेस्टिंग से रिसर्चरों ने यह पता लगाया है कि स्टोनहेंज के 52 पत्थरों में से 50 एक ही जगह से आए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र क्रिस्टोफ स्नोइक ने हाल ही में भी अपनी रिसर्च में दावा किया है कि इन पत्थरों को वेल्स से लाया जाता था जहाँ मेनली ब्लू स्टोन पाया जाता है। हो सकता है दोस्तों कि पत्थर लाने वाले मजदूरों की मौत हो गई हो या उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन स्टोनहेंज के करीब बिताए हो। स्नोइक ने लैब टेस्ट के दौरान पाया कि इन पत्थरों के अवशेष में स्ट्रॉन्टियम नामक एलिमेंट है। यह इंसानी हड्डियों में पाया जाता है और 1000 डिग्री तक के टेम्परेचर को भी सह सकता है। शव को दफनाने के बाद डीएनए और बॉडी के सारे ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर बचा रहता है। और स्ट्रॉन्टियम ऐसा ही एक इनऑर्गेनिक मैटर है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पता लगाया जा सकेगा कि हम 5000 साल पहले क्या खाते थे। दोस्तों, रिसर्चर्स ने पाया है कि स्टोनहेंज में दफन हुए लोग कम से कम 10 अलग अलग इलाकों से आते होंगे।
यह भी पता किया जा रहा है कि दाह संस्कार के दौरान इस्तेमाल में की जाने वाली लकड़ी स्टोनहेंज के इलाके की थी या वेल्स के जंगलों से आई थी। रिसर्चर्स का अनुमान है कि कुछ लोगों को स्टोनहेंज की साइट पर दफनाया गया, लेकिन उससे पहले उनका दाह संस्कार वेस्टर्न ब्रिटेन में किया गया होगा और यहाँ उनकी अस्थियों को लाया गया होगा। रिसर्च से यह कंक्लूजन निकाला गया है कि वेस्ट वेल्स से न सिर्फ ब्लू स्टोन पत्थर लाए गए हैं बल्कि लोग भी आए हैं और उन्हें स्टोनहेंज में दफनाया गया है। अनुमान है दोस्तों कि स्टोनहेंज में 150 से 240 कब्रें खोदी गई। इनमें से 2 कब्र नॉर्मल से मिली हैं, जिनमें से एक अडल्ट की है और बच्चे की है। इनकी सादगी की वजह से इन्हें अजीब माना जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि उस समय कब्रों को सजाया जाता था। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि यह दफनाए जाने वाले शख्स की सादगी दिखाता हो। रिसर्च के दौरान सदियों तक यहाँ जो लोग रहे उनके सबूत, लोगों की हर दिन की जिंदगी और मौत के निशान और दूसरी जरूरी चीजें मिली हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस जगह स्टोनहेंज है वह जगह पवित्र थी और शायद इसलिए लोगों को दफनाने के काम आती थी। यहाँ नियोलिथिक एज यानी के नवपाषाण युग का सामान भी मिला है, जिसमें मिट्टी के बर्तन और लाल हिरण के सींग भी हैं। हो सकता है कि ये उन्हीं लोगों के हों जिन्होंने स्टोनहेंज बनाया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। यहाँ मिली ब्रॉन्ज एज की कब्र, नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तन और सी शेप के बाड़े इतिहास के किसी इंडस्ट्रियल एरिया के सिग्नल हो सकते हैं। हालांकि सी शेप के जो गड्ढे मिले हैं इनका क्या इस्तेमाल रहा होगा अभी समझा नहीं जा सका है। यह एक अजीब पैटर्न महसूस होता है। हालांकि ये साफ है कि इसका लिंक ब्रॉन्ज एज से है, क्योंकि इस गड्ढे में करीब करीब पूरा कांसे का बर्तन मिला है। जी हाँ दोस्तों, गड्ढे में जले के निशान हैं, जिससे माना जा रहा है कि यहाँ इंडस्ट्रियल काम होता होगा। यह धातु, चमड़े, फसलों या फिर बर्तनों से जुड़ा हो सकता है। स्टोनहेंज के पत्थरों का आकार लंबाई में 9 मीटर और वजन 25 टन का था। जी हाँ, माना जाता है कि इन पत्थरों को मार्लबोरो डाउन्स कस्बे से किसी तरह ढोकर लाया गया होगा। इन्हें 20 मील दूर से कैसे लाया गया होगा इसे कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों को यहाँ से जानवरों की 350 हड्डियां और हजारों औजार भी मिले हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि इस इलाके में ये लंबे समय तक बसते रहे होंगे। वहीं इसके इतिहास को लेकर अब तस्वीरें थोड़ी साफ होने लगी थी, लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च ने इसे नया मोड़ दे दिया है। दरअसल रिसर्च में कहा गया है कि पत्थरों से बना यह स्टोनहेंज एक तरह का सौर कैलेंडर है। रिसर्चर्स का कहना है कि स्टोनहेंज में 15 पत्थर ऐसे हैं जो घोड़े की नाल के शेप के हैं। इन पत्थरों की बनावट अलग तरीके की ही है और ये एक सौर कैलेंडर की तरह काम करते हैं। यह पूरी शेप एक महीने को दिखाती है। इसके अलावा 24 स्टोन का एक सर्कल घंटों की तरह ही एक दिन को दिखाता है। इस स्टोनहेंज का यूज हिस्टोरिकल कैलेंडर के तौर पर किया जाता रहा है। हालांकि इंग्लैंड के लोगों में इसको लेकर अलग अलग मान्यता है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि पत्थरों का यह समूह कोई मंदिर हो सकता है या पूजा करने का स्थान भी हो सकता है। स्टोनहेंज का ऊपरी और बाहरी हिस्सा हील स्टोन, स्लाटर स्टोन और स्टेशन स्टोन की तरह बना हुआ है। स्टोनहेंज पर इतिहासकार का कहना है दोस्तों कि गर्मियों में सूर्य हील स्टोन के पीछे से ईस्ट नॉर्थ की तरफ उगता है। इसके सबसे पहली किरण ही स्टोनहेंज पर पड़ती है, जबकि सर्दी के मौसम में इसके बीचों बीच सूर्यास्त होता है जो साउथ वेस्ट की ओर होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि स्टोनहेंज के अकॉर्डिंग हफ्ते में 10 दिन होते हैं। यह एक खास तरह का कैलेंडर होता है, एक ऐसा सौर कैलेंडर 3000 ईसा पूर्व के बाद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में डेवलप किया गया था। इसके बाद मिस्र ने भी 2700 BC में इस टेक्निक का यूज किया। रिसर्चर्स की टीम ने स्टोनहेंज के साथ साथ पूरे ब्रिटेन में कई दूसरे स्टोन स्ट्रक्चर्स की स्टडी भी की थी और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि स्टोनहेंज का निर्माण हजारों साल पहले सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गति को ट्रैक करने के लिए ही किया गया था। सैंपलों की और बारीकी से जांच करने के लिए बड़े स्पेक्ट्रोमेट्री इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया। इससे उन्हें चट्टानों के स्ट्रक्चर के बारे में और जानकारी मिली। कहा जाता है कि आज जो हम स्टोनहेंज देखते हैं वह अधूरा है। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज करके ब्लू स्टोन को दक्षिण पश्चिम वेल्स के पहाड़ों से 180 मील दूर स्टोनहेंज की साइट तक खींचा गया था। जी हाँ दोस्तों, इन भारी चट्टानों को लेकर अभी कई रहस्य खुलने बाकी हैं। स्टोनहेंज को बनाने के पीछे क्या मकसद था, इसे किसने बनाया, ये आज भी एक रहस्य ही है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।